पैसा दे के देखना पड़ेगा, नहीं 30 रुपए दे के पंडाल देखेंगे तो सोचो ऐसा दुर्गा पूजा में होगा तो कित गरीब हो जाएंगे। अंदर दे भाई, बाबू उल्टी आ रहा है। दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट गणपति जी विसर्जन, पर उसके पहले मैं बता दूँ कि ये जो अभी मैं कर रही हूँ, एक मैं अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ वो भी दुर्गा पूजा के लिए। अब मैं सबके लिए कपड़े बना रही हूँ, खुद के लिए भी थोड़ा कुछ तो करना बनता है, तो मैं एक डिज़ाइनर साड़ी बना रही हूँ। आई डोंट नो आउटपुट कैसा आएगा, बट जो भी आएगा अच्छा तो होगा, आप लोगों को होप पसंद आएगा। और ये इसका फुल फोटो आप लोग मेरे क्लोथिंग ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो, तो अभी अगर फॉलो नहीं किए हो जाओ फॉलो कर लेना ये वाला इंस्टाग्राम और मेरे इंस्टाग्राम। गेट रेडी विद मी, मेकअप डन। कभी कभी खुद ही सोचती हूँ कैसे इतना अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। और तो मैं ये ब्लू कलर का कुर्ती पहन रही थी, मेरे पास ना व्हाइट कलर का प्लाजो वगैरह या स्कर्ट नहीं था, तो मैंने ये ड्रेस से इसको स्कर्ट बनाया, मतलब मेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। Here I am ready and baby poo be ready, baby poo. Wow, जानबूझ के किया ना? नहीं। He is with his white shirt as usual. तुमको मेरे को मेरे मैं बोली क्या पहनूं, बोलता है कुर्ती या साड़ी, यार खुद देखो। बक बक। अभी हम लोग निकल गए हैं, तो निकल गए गाड़ी लेके और हमारा बहस शुरू हो गया उठते ही। यहाँ पे एक टूटा हुआ है, मैंने नहीं देखा, मैं बोल रही हूँ कि बोला भी नहीं, मैं बोली ये कैसे हो गया, तो बोल रहे अच्छा तो तू मेरे से इंजाम दे रहा है, इंजाम मेरे को क्या दिमाग बोलते बेबी। हम आए हैं चौपाटी, ये इतना पहले ऐसा नहीं था, रोड तक बैठता था, अभी सारा बैठने बैठने का टेबल जैसा कर दिया। अरे यहाँ पे ठीक सारा दुकान है, बहुत सारा आइटम में से मिलता है, कुछ भी खा सकते हो। एक टाइप का नहीं पानी पूरी कुछ का मोनिश ने याद दिलाया ये गाना कि अचानक देख रही हूँ रूम में घुस रहा है और बोल रहा है बोल बोल तू गला और मेरे को एकदम वो हो गया, फिर घर जाएंगे। फर्स्ट पंडाल में घुसे, भीड़ तो काफी था और यहाँ पे एक डांडिया वाला जगह भी था और मेले भी बैठे थे। सारा चीज मैं एक एक करके दिखाऊंगी, पहले पंडाल देख लेते हैं। तो काफी भीड़ था, भीड़ को धक्का देते हुए हम लोग अंदर की तरफ गए, काफी टाइम लगा, मोनिश कॉल में भी काफी टाइम बिजी था। ये पंडाल ना प्लास्टिक टाइप के चीजों से बना हुआ था, देखने में तो अच्छा ही लग रहा था, आई वॉज एक्साइटेड कि जल्दी से जाएंगे इसका गणपति कैसा होगा, बट देन दिस हैपेंड। भाई पैसा दे के देखना पड़ेगा, नहीं लेते कौन भगवान पैसा दे के क्या है देखेंगे। अरे भाई तो बाहर तो निकलना है, तो कंटेंट कंटेंट क्या, यही कंटेंट है कि हम लोग नहीं गए, 30 रुपए दे के पंडाल देखेंगे तो सोचो ऐसा दुर्गा पूजा में होगा तो कित गरीब हो जाएंगे। हिस्टोरिकल प्लेस भी 20-30 रुपए में ही कश्मीर में देख रहे थे। आधा पंडाल देखने के बाद हम लोग आए अपना कॉफी पीने के, भी कॉफी दुकान बंद हो जाएगा, तो उस साइड कार रख के भी चल चल के जा रही है, कार आने नहीं दे रहा। वैसे अच्छा है कार घुसता ना पूरा भीड़ हो जाता है। छत्तीसगढ़ दुर्ग ये भिलाई का हम लोग पंडाल देख रहे हैं, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट हर एक पंडाल का एक तो मेला है, हर पंडाल में भाई इधर आए हैं पूरा मेला ही है, हर पंडाल में एक एक एक्सपो। गाइस जो लोग भी मालदा से हो ना तो एक पंडाल में एक एक्सपो बैठा है समझ लो, थक गए, बहुत भीड़ है, सब में भीड़ है। हाँ इसमें तो राइड्स है। अभी हम लोग अंदर ही अंदर एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, आगे है पंडाल जहाँ पे गणपति जी है। फाइनली हम लोग पंडाल तक पहुँचे हैं और अभी देना है लाइन, समझ आ गया, पैसा दे के ही देखना पड़ेगा। हम लोग वो वाला नहीं देखे, इसमें भी टिकट से देखना हो रहा है, कैसा पंडाल हॉपिंग है यार, कितने का 40।
बंगाली में ही लिखते हैं। बंगाली में कहा हाँ स्वागतम कैसे। देखो पंडाल में घुसने से पहले भी चप्पल भी उतारना है, थोड़ा अलग है ना। एक एक इस कोने पे, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, नहीं थोड़ा करने वाला भी चीजें अलग है यहाँ पे यार, मेरे को अभी भी हजम नहीं हो रहा है। और क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि एक भी चप्पल चोरी चालू हुआ होगा ना, हाँ। तो एक सीरीज बन गया होगा अभी तक। और तो मेरा तो अच्छा जूता पहन के आई हूँ, तुम्हारा भी क्रॉक्स है, मेरे से भी महंगा। चप्पल खोल के जाना पड़ रहा है, हम लोग नंगे पैर जा रहे हैं, मतलब पूरा अलग ही चीज। मैं को ना ऐसा भी दूसरे प्लेनेट में आ चुकी हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे हर पंडाल देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वीआईपी पासेस बिक रहा है कि बिना पैसे के भी आप जा सकते हो एंड पैसे के साथ भी जा सकते हो। आई एम अगेंस्ट, ये कल्चर के खिलाफ एकदम हूँ। और आप लोग बताओ, आप लोग कभी सुने हो क्या ये चीज़? कैसा है अंदर से? अच्छा है, पर 20 रुपए दे के देखने लायक नहीं है। मालूम ही से अच्छा अच्छा बनता है छोटे छोटे में। सुंदर तो था, पर मैंने अपने पूरे आधे जीवन बिता लिए है, कभी नहीं सुनी हूँ कि कोई भी भगवान दर्शन या पंडाल हॉपिंग के में ऐसे पैसा देके देखना होता है। और दुर्ग में ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। प्लीज़ मेरे को कमेंट करना तो पूरे इंडिया में तुम लोग जहाँ से भी हो कभी भी ऐसा कुछ सुने हो कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया था और मैं ये चीज़ अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वैसे अंदर से तो काफ़ी अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, बट कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, बट इट वॉज गुड। ऐसा लग रहा है ना कुछ तंत्र मंत्र हो रहा है, ये सब है। पैरों की गति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और ऊपर क्या है देखा, पंडाल के अंदर पीने का बच्चा है, मतलब वो न्यू बॉर्न पैदा होने से पहले का बच्चा। कुंभ बनाया है क्या? सुनोगे तो अनदर पंडाल इधर के पास है। नहीं नहीं इसका पास होगा। 30 रुपए एंट्री बोलता है इसका, क्या है इसमें भाई, क्या कल्चर डेवलप हो रहा है यार। इधर से कि घुस सकते क्या मंदिर में? गेम है 30 रुपए में, ग्लास फेंको और चीजें लेके जाओ। और बाजू वाले में क्या है? नहीं फेंकूंगी मैं, नहीं खेलूंगी। 6 डालना है, 6 डालने में बिकती तो 6 वाला हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मिले तो मैं हाँ डालो ना, ठीक है 3, 2, 5 चलो 4 चलो ला हो गया। हाँ 15, 16, 17, 18, 24 सुपली मिला 50 रुपए में ये मिला यार। अलग दे दो यार, स्लेट कलर दे दो एटलीस्ट। जाए हाँ चलो थैंक यू। बॉल घुसता ही नहीं क्या भैया? रात का डिनर 11 बज गया देखते देखते, और मैं खाऊंगी शर्मा रोल। बर से मैं ज्यादा कुछ खाई नहीं हूँ, एंड आई एम फीलिंग डिजी डिजी, और वो भी हो रहा है, थोड़ा टायर्ड लग रहा है, जरा खाना खाऊंगी, रात को स्ट्रीम भी करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट और एक दो दिन बाद हम लोग फिर से निकले थे, गए चलो और दो चार गणपति देख ही लेते हैं। बाइक में निकले थे, कार में नहीं निकले थे, ताकि एकदम चटपटा से देख ले। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, ये ओपन था, कोई टिकट नहीं था, छोटा सा पंडाल था, पर मूर्ति बहुत सुंदर था गणपति जी का। ऐसे हम लोग 2-3 गणपति देखे, थोड़ा बहुत छोटा भूख के लिए हम लोग पॉपकॉर्न भी खाए। और ये सब पंडाल ना इसे राह चलते ऐसे ही दिख रहा था रोड में, जो ओपन होता है ना छोटे छोटे क्लब्स का मालदा में। बचपन में तो कभी गणपति पूजा वैसे ताम झाम करके देखे नहीं है, पर लास्ट के कुछ सालों में मैं देखी थी, चलो कहीं कहीं गणपति जी का पूजा हो रहा है, पर यहाँ पे ना ऑलमोस्ट महाराष्ट्र जैसा होता है। हम लोग तो दुर्ग में रहते हैं, बट रायपुर में और भी अच्छा अच्छा मूर्ति था। मोनिश थोड़ा काम में बिजी था तो इसलिए जा नहीं पाए, पर नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, पूरा कोशिश है रायपुर के गणपति भी हम लोग दर्शन कर पाए। हम लोग और एक बार मिले भी, अब हम लोग ब्रेक डांस करेंगे। हम लोग इस साइड नहीं आए थे ना, उस साइड चले गए थे। ये पूरा झूले वाला है मालदा में, तो मालदा से बड़ा है पता है ये, और उसी के पीछे सब कोई एकदम पागल होते रहता है। बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा। और ये झूला देखो, ये तो कतई
उल्टी करने वाला, देख के लग रहा है उल्टी हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। ये वाले में, ये वाले में। चल पहले एक मिनट, ब्रेक डांस सही है, ब्रेक डांस मजा आता है वाला पूरा गोल घूमता है ये वाला। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे औकात के बाहर है, समझ गई। 360 वाला वो बहुत अजीब लगेगा बाबू। बाबा 80 रुपए करके है, ये 60 रुपए, इतना महंगा है इधर। और ये वाला कितना सुंदर दिख रहा है, कितना मजा आ रहा है देख के, बहुत बड़ा है बीबी। खाली है ये वाले पे हम लोग चढ़े थे, वो वाला चढ़े हैं वहाँ पे, और एक छोटा और एक ब्रेक डांस। बहुत ही बड़ा है और इतना आज भीड़ ही नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। मतलब मालदा एक्सपो इतना सा आता है और इतना क्राउड, घूमने का मजा भी नहीं आता। और आज बहुत ही बढ़िया वेदर है तो घूमने में और अच्छा लग रहा है। आज हम लोग पंडाल हॉपिंग नहीं, स्पेशली मेला ही घूमने आए हैं। ये बहुत बड़ा मेला हम लोग देखे थे। ये सब तो चढ़ने का औकात ही नहीं है, मैं तो सच में उल्टी कर दूंगी। जायंट व्हील में चढ़ी हूँ बट उतना खास लगता नहीं है, एकदम डर लगता है, लगता पेट का अतरिया बाहर आ जाएगा। तो मैं बोली भाई शांति से ब्रेक डांस चढ़ते, क्योंकि वो चढ़े हैं पहले भी और ये मेरे को उतना खास प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ब्रेक डांस ही चढ़ते। आफ्टर एजेस मैं पैसा देके ये चल रही हूँ, मेरे से बहुत मेरे को वो होता है यार, क्या झूले के लिए पैसा दो। बट एक्सपो में तो हमारे पास तो पास था, इस बार साइजा लेके आया था, पर इतना भीड़ था कि चढ़ ही नहीं पाए, तो उससे अच्छा है अभी खाली खाली में चढ़ लेते। ग्रीन 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 11 11 11 ग्रीन 11। अलग स्लो मोशन करेंगे, लगाओ इसको, लगाना। इसके पहले जो भी मैं ब्रेक डांस में चढ़ी थी उसमें इतना तेज भी नहीं था और इतने बार भी राउंड नहीं लगाता था, एकदम माथा खराब हो गया, ऐसा लग रहा था उल्टी कर दूंगी। मेरे लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस। उल्टी लग रहा। बस यार बंद 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 कर दे भाई, बाबू उल्टी आ रहा है, बंद कर दे। अबे सुनता है कि नहीं, कसम से यार माता घूम गया। किया 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 किया। और जाना है झूले पे, और जाना है। उस दिन झूला झूल के तो मैं झूल गई थी। तो ये 11वां नंबर दिन है और यहाँ पे विसर्जन चल रही है, तो हम लोग एक ब्रिज के ऊपर से छोटा मोटा एंड बड़ा विसर्जन भी यहाँ पे देखे। तो इस बार गणपति गणेश पूजा बहुत अच्छा था, मेरे लाइफ का पहला गणेश पूजा जो इतना घूमने का, एकदम दुर्गा पूजा वाली फील आ रही थी। तो ये व्लॉग आज ही खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। बाय बाय।